रिश्वतखोर अधिकारी ने दिया ईमानदारी का परिचय। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो से मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में जलेसर तहसीलदार विजय कुमार छत्रपति रिश्वत लेकर वापस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद सुनिए रिश्वतखोर अधिकारी ने दिया ईमानदारी का परिचय। छह हजार जे है गए काम तो ये नहीं हुआ, आपने काम ये नहीं किया। वो मतलब ये पीछे से जो आपके पास रिपोर्ट आई, आपने रिपोर्ट नहीं लगाई। मैंने इसी के दिए थे। कौन से? हाँ नहीं, वो तो मैंने पांच दिए थे। पांच को बता कौन सा झूठा मेरा? बताइए कौन सा झूठा मेरा? दस महीने पहले दिए, दस महीने पहले दिए, पांच बाद में दिए, दो दो मैंने इनके दिए। तो देने पड़ेंगे, मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं। पैसे तुम लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसा साला हाथ में है, नौ सौ आठ में जाते हैं। हमें तो फिर बाहर भी कोई पैसे देता है हाँ, जो जाए तो मेरे लिए नहीं, कोई रात नहीं। रसीद में करा दी और जी शिवाज में करके आए। ये तो बाद में करा दिया, क्योंकि एहसान कर दिया तुमने। मैं तो एहसान किया तो आरोपी ले लिया था तू है, एहसान करोगी या बात करोगी? नहीं कौन करेगा, बिल्कुल करेंगे। बंदा की नहीं करेंगे, आदमी की मौका देखी जाती है, पैसा नहीं चला जाता। पैसा तो हाथ की मेल है, आपकी मैंने रंडी कमा लेती है। रंडी कमाओ क्या डालेगी? बात बात जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं। क्या क्या नाम है आपका? तालेवर सिंह बौद्ध। पिता का नाम? श्री राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला मदारी। क्या मामला था ये 17,000 रुपए का? जो आप 17,000 रुपए का मामला था, जो एसडीएम वो एडीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी कि भाई बारसाना इसका बनाओ। किसका बारसाना? किसका बारसाना बनाना था? मतलब हमारी 2359 जमीन का घाटा संख्या 2359। अच्छा। और 12 उसका उन्होंने बनाया था घाटा संख्या। तो उसके बाद में हमने कही कि हे की ये मतलब हमने कही पैसा हमने मांगे उन्होंने, तो मेरी हमारी रिपोर्ट सही लगा दो, हम गलत नहीं लगवा रहे, सही के पैसा दे रहे हैं कि तुम रिपोर्ट अपने हाथ से लगाओ, देख लो अपने आप, जांच कर लो। लेकिन जांच तो करी नहीं उन्होंने, लेखपाल के रिपोर्ट लगवा दी। लेखपाल मिला हुआ था उनसे, लेखपाल ने झूठी रिपोर्ट लगा के भेज दी। झूठी रिपोर्ट लगाए भेज दी तो वो रिपोर्ट है का है, जा करके ग्राम बाम जा करके मतलब हमने उसकी वीडियो कैसेट बना ली। वीडियो कैसेट बनाने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने पैसा भी नहीं दिए वापस, तो फिर हमने पैसा मांगे तो उन्होंने पैसा दिए हमें। उस टाइम पे ही हमने उन्होंने हमें दिखाया, उन्होंने पहले कहा था कि इसके पैसे की रसीद मिलेगी आपको। हाँ, पहले मैंने कहा था कि मैंने रसीद दो और नहीं तो पैसे दो। जब तुम रसीद नहीं दे पा रहे हो तो हम पैसे का बात के लिए, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है कि हाँ। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ तुम्हें मतलब ऐसा है कि रसीद नहीं, तुम्हारे पैसे ले जाना शाम को, ले लेना शाम को। हम गए तो शाम को उन्होंने पैसे निकाल करके एक और उन पैसे ले करके और अपने पैसे करके हाल उन्होंने पैसा फिर हमारे 17,000 हमें पैसा दिए।
हमने उसकी वीडियो कैसेट बनवाई।